साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अलजी 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 साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय हिंद, आप लोग देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून, मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। यहां पर युवा राजपूत सभा के आंदोलन के चलते जम्मू बंद की काल जो है वो सैटरडे के दिन की दी गई है, लेकिन इस बीच श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन के प्रधान गौरव कपूर जी यहां पर आए हैं और इनके द्वारा यहां पर एलजी साहब के जिंदाबाद के नारे इस समय यहां पर लगते हुए क्या कुछ इनका कहना है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। गौरव कपूर जी, एक तरफ जम्मू बंद की काल जो है वो चैंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से सैटरडे के दिन की दी गई है, लेकिन वहीं आप एलजी साहब के समर्थन में यहां पर नारे लगा रहे हैं। देखिए ठाकुर जी, मैं ये चीज समझता हूं कि इस वक्त जो सिनेरियो हमारा जम्मू कश्मीर जम्मू का खासकर जो बना है उसको कहने की समझने की जरूरत है। मैं सबसे पहले ये चाहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो ना बने, क्योंकि मैं ये चीज समझता हूं कि सबसे इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी का है तो वो मीडिया का है, कि जो मीडिया जो है वो एक प्रॉपर मैसेज जो है वो आम पब्लिक तक लेके जाए। देखिए, पहला सवाल जो सरोट टोल प्लाजा का जो इशू इस वक्त गरमाया है, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं उस टोल प्लाजा का जो इशू है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई, और उस जल्दबाजी का नतीजा क्या निकला कि हमारे 30 जो युवा राजपूत सभा के हमारे जो भाई हैं उनके ऊपर FIR रजिस्टर्ड हो गई। बात यह थी कि यह मसला इस तरीके से हल होता कि किसी भी हमारे युवा राजपूत के भाई के ऊपर FIR रजिस्टर्ड नहीं होती, केस रजिस्टर्ड नहीं होता। जब सबसे पहले हमारे, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव राजपूत सभा के जो हमारे भाइयों ने लिया एक बड़ा जेन्युइन इशू था, और इस चीज पे हम प्राउड फील करते हैं कि उन्होंने ये इशू लिया, क्योंकि टोल प्लाजा कहीं ना कहीं जो है इस वक्त वो इलीगल है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई। जब आप कह रहे हैं कि जल्दबाजी हुई है, यहाँ पर पूरे जम्मू के डोगरे इस चीज को लेकर उनकी सपोर्ट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये जल्दबाजी हुई है, तो इससे और कितना इंतजार करना था? सपोर्ट तो हम भी उनके अगेंस्ट नहीं है, कहीं ना कहीं सपोर्ट हमारी भी है। कहने का मतलब यह है कि जैसे उन्होंने फर्स्ट डे कॉल दी थी, ठीक है, उसके बाद उन्होंने टाइम दिया था कि हम 21 को हम इसको बंद करेंगे। 21 तारीख को जब उन्होंने बंद का कहा था, उसके बीच आप देखिए कि एलजी प्रशासन ने आज तक जम्मू के कितने भी इश्यूज रहे उसमें हमेशा टाइम लगाया, बट एक ये ऐसा इशू था जिसके उन्होंने विद इन दो तीन घंटे के अंदर ही उन्होंने नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी है उनके चेयरमैन को फोन किया और उन्होंने कहा कि 2-3 दिन के अंदर अपनी टीम भेजेंगे तो वो पूरा सर्वे करेगी एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी क्या है और क्या नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब उन्होंने 2-4 दिन का हमें टाइम मांग लिया था उसके बाद हमें इसको थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। क्यों ना क्यों, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है कि ये मसला जो है, मुद्दा जो है वो हल हो। अगर उसमें उस वक्त हमने थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए था। हाँ, जो रोड पे आना प्रोटेस्ट करना ये हमेशा एक लास्ट ऑप्शन होता है, ये सबसे लास्ट ऑप्शन। जब आपका कहा नहीं माना जाए, जब आपका आंदोलन जब आपकी आवाज कोई ना सुने, थोड़ा वक्त लग जाए, आपको लगे कि इधर 1-2 महीने हो गए हमें बोलते, फिर लास्ट ऑप्शन होता है। लेकिन मुझे वही चीज मैं कह रहा हूं कि आंदोलन भी सही था, जो हमारे नौजवान युवा साथियों ने, राजपूत युवा साथियों ने जो ये मसला जो उठाया ये भी जेन्युइन था। और कहीं ने जब खुद एलजी प्रशासन, खुद एलजी साहब ने खुद ही जब कह दिया था कि ये इलीगल है, इसके बाद मुझे बताएं हमारी लड़ाई तब बनती थी कि अगर वो कहते ये लीगल है और हम कहते हैं इलीगल है, उसमें जब उन्होंने भी कह दिया इलीगल है, बट हमें टाइम देना चाहिए था, क्योंकि कुछ भी जो भी ऑफिशियल्स वर्क होता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, एकदम रातों रात सारे डिसीजन नहीं होते। अगर उसमें नई डिसीजन निकलता उसके बाद हम खुद भी युवा राजपूत के साथ सड़कों के ऊपर जो है, हम खुद भी, हमारा 6,000 ई रिक्शा इस वक्त जो है वो मेरे साथ है, मेरे लोग मेरे साथ हैं, हम उनको लेके भी उनके साथ खड़े होते। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दबाजी हो गई इसको, जल्दबाजी वाली बात ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से रविंदर रैना जी का हमने इंटरव्यू करा तो उन्होंने भी कहा कि जल्दबाजी हुई है। मुझे लगता है कहीं आपको, आपकी उनसे कोई बातचीत तो नहीं है, आप दोनों मिले तो नहीं है? सबसे पहली बात, मैं रविंदर रैना की आप बात कर रहे हैं कि वो आज दिल्ली चले गए हैं बात करने, वो दिल्ली जाने से बेटर था कि पहले इन लोगों के बीच जाके इनसे बात करते, पहले इधर बात करते फिर वो दिल्ली जाते। मुझे समझ नहीं आई, आपने इन लोगों को छोड़ के बीच में आप दिल्ली चले गए, आप पहले इनसे बात करते, इनको समझाते, इनसे इनको इनको थोड़ा सा इनको इनको तसल्ली करवाते, उसके बाद फिर आप दिल्ली की तरफ जाते मिलने की। देखिए, मैंने आपको कहा कि मेरी सियासत करने का तरीका हमेशा रहा, मैं जेन्युइन बात और राइट बात करता हूं। सियासत इस वक्त कई पॉलिटिकल लोग, पार्टीज हैं और कई पॉलिटिकल लोग हैं जो अपनी गर्म रोटियां सेकने इस वक्त इस मुद्दे के ऊपर सड़कों पर आए हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप अपनी रोटियां सेकते सेकते बाकियों की बलि मत दें, थोड़ा सा वेट कर लेते अगर हम,
उसके बाद अगर इस तरीके का कोई आंदोलन को चलाना था, निकालना था, मुझे लगता है सबसे पहले जम्मू के जितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मेन बार एसोसिएशन है, कॉमर्स एंड चैम्बर है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, सिविल सोसाइटीज हैं, इन सब की एक मीटिंग होती, इनसे हम बात करते कि भाई इस आंदोलन को चलाना है, कैसे चलाएंगे, इसको कैसे हैंडल करेंगे, प्रॉपर वर्कआउट होता, फिर मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं इस आंदोलन को एक सही दिशा की तरफ जो हो प्रॉपर मुड़ रहा होता। इस वक्त मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा डैमेज ये हुआ, क्या हुआ, हमारे भाइयों के ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई। अब आप मुझे बताएं, आज नहीं तो कल ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे युवा राजपूत जो सभा के जो भाई हैं उनको ये केस भुगतते लग जाएंगे 10 साल 15 साल। आप इस बात को समझने की कोशिश करो। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कोई किस इस बात को किस एंगल से लेके जाए, कोई बोले कि मैं उनके खिलाफ हूं। जो एक समझदार इंसान जब मेरी बात सुनेगा वो समझ जाएगा कि बात जेन्युइन बात कर रहा हूं मैं। क्योंकि आप देखिए, इस वक्त जो मेरे भाई, इस वक्त युवा राजपूत के भाई जो इस वक्त जेल के अंदर है, वो इस वक्त खुद भी परेशान है, उनके परिवार भी परेशान है, हम लोग भी यहां परेशान है, क्योंकि एक जेन्युइन काज के लिए उन लोगों के ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें इस चीज का वेट करना चाहिए था, जब एलजी साहब ने खुद मान लिया था इस चीज को कि ये लीगल है, और उन्होंने फोन कर दिया था, और 3-4 दिन में टीम आने वाली थी, थोड़ा हम वेट कर लेते। मुझे लगता थोड़ा सा इस तरीके से कहने का मतलब है कि जल्दबाजी हुई। चैंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से शनिवार को जम्मू बंद की कॉल दी गई है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? देखिए, पहली बात, शनिवार को बंद करना मुझे लगता है एक कंफर्ट जोन का बंद है कि कल शनिवार बंद करेंगे, नेक्स्ट डे संडे होगा तो आराम से उठेंगे। अगर आपको बंद की कॉल देनी है, मंडे को देते, ट्यूजडे को देते, वर्किंग टाइम, ये सैटरडे क्या है, ये सैटरडे को बंद की कॉल दे रहे, अगले दिन संडे होगा, कोई इधर वीकेंड थोड़ा एंजॉय करना है। हमारे भाई इस वक्त जेलों के अंदर बैठे हुए हैं, उनके लिए सही लड़ाई लड़नी है। मुझे लगता है इस वक्त हमें लोगों को, सिविल सोसाइटी, बार एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, सारों को मिलके एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रिक्वेस्ट करनी चाहिए, एलजी साहब को मिलना चाहिए चल के सबने, कि भाई सबसे पहले आप, जब आपने खुद ये चीज मान ली कि ये टोल प्लाजा ये इलीगल है, तो आप फिर जल्द से जल्द इसको क्लोज करने का काम करें, और हमारे ई रिक्शा, हमारे जितने भी युवा राजपूत के जितने भी युवा साथी हैं उनके ऊपर जितनी एफआईआर लगी हैं वो विड्रॉल हों, उनको इस एफआईआर से इनको बाहर निकाला जाए, इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। रही बात बंद के साथ की, बंद का साथ का समर्थन अभी हम फिर नहीं करते, क्योंकि जब हमें ई रिक्शा वालों को प्रॉब्लम आई, उस वक्त 6000 ई रिक्शा के ड्राइवर का रोटी रोजी का मसला बन गया था, उस वक्त हम अकेले लड़ाई लड़ी, और उस वक्त जब लड़ाई लड़ी तो अगर फाइनली हमें कहीं से रिलीफ मिला तो वो एलजी प्रशासन से मिला, हमारे साथ उस वक्त कोई भी आके खड़ा नहीं हुआ। लेकिन जब बात आ जाती है जम्मू की हितों की, जम्मू की लोगों की, हम कहीं भी राजपूत से, युवा से अलग नहीं है। अगर कल अगर हमारी, जैसे एलजी साहब ने टाइम मांगा, उसके बाद अगर 10-15 दिन तक कोई इसका डिसीजन नहीं निकलता, मेरा 6000 बंदा भी उनके साथ सड़कों के ऊपर आपको नजर आएगा अगर ऐसा वक्त आया। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग किसी तरीके की यहाँ कोई सियासत गलत कर रहे हैं, वैष्णो देवी रिक्शा यूनियन, सिर्फ समझने की बात है। सियासत में मेरी जिंदगी का अपना तरीका रहा कि सियासत मेरा करने का कुछ और तरीका है, नहीं तो मैं भी इस वक्त अपनी सियासत की रोटियां सेकने के लिए मैं भी बीच उधर पहुंच जाऊं और अपना पब्लिसिटी करने के बीच आ जाऊं। लेकिन आपके मतलब के पीछे, आपके बेनिफिट के पीछे वो 30 बच्चे इस वक्त कुर्बान करा दिए वहां पे, उनको एफआईआर रजिस्टर्ड करा दी, जो अब 10 साल 15 साल लगाएंगे वो भुगतते, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, इसलिए मैं ये चीज कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं जो फैसला है वो जल्दबाजी में हो गया। क्या मानने के शनिवार के दिन ई रिक्शा जो है वो जम्मू की सड़कों पर दौड़ेगा? बिल्कुल दौड़ता नजर आएगा, बिल्कुल ई रिक्शा दौड़ता नजर आएगा। बाकी जब फ्यूचर में क्या होगा, जब कोई बुलाएगा, जब बैठेंगे टेबल पे बात करेंगे, जो डिसीजन होगा तब देख लेंगे। फिलहाल जो है ई रिक्शा वो सड़कों पे दौड़ता नजर आएगा। तो फिलहाल के लिए इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको बता दे चले कि ई रिक्शा, श्री माता वैष्णो देवी रिक्शा यूनियन की तरफ से जो है वो जम्मू बंद की कॉल को कोई भी जो है वो समर्थन नहीं मिला है, और साथ साथ युवा रायपुर सभा को लेकर भी ये कहा गया है कि उनकी तरफ से इसमें जल्दबाजी की गई, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि एलजी साहब की तरफ से उन्हें टाइम भी दिया गया था कि 3 दिन के अंदर इसका मसला हल होगा, लेकिन फिर भी उनके द्वारा जल्दबाजी की गई, जिसके चलते एफआईआर मुंह पर लगी है, और एफआईआर को क्वेश्चन करने की मांग भी जो है वो यहां पर श्री माता वैष्णो देवी रिक्शा यूनियन के प्रधान की तरफ से की गई है। आप जनता अपनी राय जो है वो जरूर साझा करें, क्या आप जम्मू बंद की सपोर्ट में है या नहीं है। कैप्टन प्रश्न अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।